गन्नौर में भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली व उनके साथ पहुंचे मन्नत ग्रुप ऑफ होटल के चेयरमैन देवेंद्र कादियान का गन्नौर के रेलवे रोड पर पूर्व पार्षद अंकित मल्होत्रा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी मोहन बडोली का कार्यक्रम में पहुंचने पर ढोल बजाकर व बम पटाखे छुड़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में इनेलो के पूर्व पदाधिकारी संजय मित्तल ने पार्टी में अपनी आस्था जताई। भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गन्नौर की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ ने साबित कर दिया है कि देश पर नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है, कांग्रेस ने देश की गरीब जनता के साथ धोखा किया है और जनता के पैसे को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार और घोटाला किया है, उसी का पाप। कांग्रेस पार्टी अपना कोई भी प्रत्याशी घोषणा को लेकर फैसला नहीं कर पा रहे हैं और यही एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव से बच रहे हैं और भाग रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को जबरदस्ती चुनाव लड़वाया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला द्वारा दिए गए बयान निशाना लगाते हुए कहा, जो जैसा काम करते रहे हैं वे वैसी ही भाषा बोलते हैं और भाजपा पार्टी सब चीजों से दूर रहती है। इस मौके पर मंच का संचालन समाज सेवी हरीश वधवा ने किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता आजाद सिंह नेहरा, निशांत, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ईश्वर कश्यप व शहर के नगरपालिका के अधिकतर पार्षद गण के अलावा गणमान्य लोग मौजूद थे।